ऐसे टॉन्सिल जिनको क्रॉनिक वो ऐसे ऐसे मोटे होकर पत्थर बन गया हूँ, जहाँ बैराटाकार फेल कर जाए उससे भी ज्यादा ये गहरी दवाई है, ये वहां से उठाती है ये असर दिखा देती है। इसलिए क्योंकि ये क्लोर गैर मामूली ताकतवर दवा है इस पेन से। इसी तरह जो इंसान के मर्दों और औरतों के जिंसी अजान हैं उनमें भी किसी किस्म की तकलीफों के लिए बेहतरीन इलाज है। इसका तो मैंने बताया ना आपको, यूट्रस में जो फ्लाइट से बहुत ही अच्छा असर दिखाती है। लेकिन रोज बाद लोगों को अगर ऐसा में वेरिकोज वेंस हो जाती है, बड़ी तकलीफ से चीज है, खून की नीली राग और फिर वो ब्लीड भी करने लग जाती है, उसके लिए भी ये बहुत अच्छी है। छाती के गुठलियों में सर्वाइकल ग्लैंड्स के लिए बहुत अच्छी है। सर्वाइकल ग्लैंड का कैंसर बड़ा खतरनाक होता है, उसमें भी क्योंकि अच्छा असर दिखाती है और सिलिशिया से अपने असर में मिलती है। ये वही दवा है जिसको लिखा मैंने बगैर इलम के कि हमारे एक मौलिम के यहाँ गुठली थी बहुत बड़ी, वो गिलो जिसको कहते हैं, उनको दिया था उसके लिए हेमोराइड्स के लिए। हेमोराइड्स में बहुत अच्छी है, पुराने मौके जो नीचे टूट जाते हैं हर वक्त तकलीफ को मुझे बनते हैं, क्या कहते हैं हेमोराइड को, बवासीर, बवासीर के मौके, तो उसके लिए उनको दी मैंने और बुखार तेज चला। एक हफ्ता वकील जी ने आए नहीं, रिपोर्ट ही नहीं की, लेकिन थे वो समझदार, उन्होंने ये फैसला किया कि मैं दूसरी दवाई नहीं खानी, इसके बाद चला है कोई वजह नहीं इसका असर होगा। तो अगली दफा आए तो गिलर गायब, एक हफ्ते के अंदर ऐसा बुला है उसके अंदर टॉक्सिन्स थी, उससे बुखार चला था। तो वो आके वो पहले कपड़ा हमेशा चादर लेके देते थे, चादर उतार कर देखे क्या हाल है, थैली सी लटकी हुई आई थी, आस्ते आस्ते फिर सुकड़ गई थे। उस वक्त तो खाली थैली लटकी हुई थी और गिलर गायब। गल्गेरिया फ्लोर बहुत गहरा असर वाली, गहरे असर वाली दवा है। एक आदमी जिनके 90 साल उम्र थी, उनको सिर्फ मैंने आंख के लिए वो कैटरेक्ट के लिए एक जिंकम सल्फ की ऊंची दवा दी, एक गल्गेरिया फ्लोर की सीएम की, और बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गई आंख। और ब्रह्मनगर मुर्मू ने मेरे पास भिजवाया था कि इसका इलाज कोई हमारे पास नहीं है, ऑपरेशन हो ही नहीं सकता, इनकी उम्र इतनी बड़ी हो गई है, तो कुछ कर सकते हो तो करो। और फिर वो वफात तक उनको फिर आंख की तकलीफ नहीं हुई। तो इन डोनेशंस को, डिपॉजिट्स को दूर करने में ये छोटी भी दवा है, तभी बात हमें पैक रूटीन में इसके लिए आंख के डिपॉजिट नहीं बल्कि वो डिमोतिया बनते कहते कैटरेक्ट, मगर ये वो जो दूसरा कैटरेक्ट है जिसको काला मोतिया कहते हैं, कैटरेक्ट क्यों कहते हैं, ग्लोकोमा, उसमें वो फील नहीं है, उसकी कुछ और वजूहत है। उसमें असाबी तकलीफों की जो है ना चीजें या वेन से तक उसमें वाली वो ज्यादा फील है। जर्सीनियम बहुत अच्छा काम करती है उसमें, क्योंकि यह फॉस बहुत अच्छी है। और कैटरेक्ट आपने सुनाया था कि इसके साथ जिंकम सल्फ, जिंकम सल्फ ठीक है, जिंकम मैट और चीजों के लिए है, जिंकम सल्फ ये कैटरेक्ट के साथ खास ताल्लुक रखती है। जिंकम मैट आंख की एक ऐसी बीमारी में मुफीद है जिसमें ऊन आलमन एलोपैथिक में शायद ना हो इलाज, नाखूना उसको क्या कहते हैं, नाखूने को ट्रिजियम, ट्रिजियम हाँ ट्रिजियम, यहाँ रूट हो जाती है, एक वक्त आगे फैलता जाता है, वो जिंकम मैट की जंग खुरा के बिल्कुल साफ कर देते हैं ट्रिजियम को। मेरे पास तो आज तक कभी कोई ट्रेजियम केस नहीं आया जो जिंकम सेल्फ के अलावा किसी और चीज का मुताज हुआ हो, अल्लाह के फजल के साथ सिर्फ जिंकम मैट सेल्फ में उसे ठीक हो जाता है।